जिगर का खून दे देकर ये बूटे लेने पाते हैं। और अब जलाल की खसूसी फसल कर्म से 14 अगस्त 1947 को हम इस काबिल हुए कि हमें मुल्क बना सके। जश्न मनाना ये नहीं है कि हम सिर्फ पाकिस्तान के झंडे लगाए, पाकिस्तान के बैज लगाए, पाकिस्तान के मुफलर लगाए और अपनी मोटरसाइकिल पर लगाए और मोटरसाइकिल की साइलेंसर हटाए और पूरी लोगों के दिमाग खाए जश्न आज़ादी के नाम पर। या जश्न आज़ादी ये भी नहीं है कि हम अपनी गाड़ियों में बड़ी बड़ी परचम लहराए, लेकिन उन्हीं बड़ी परचम के होते हुए ही हम आम आवाम को तकलीफ दे सकें। हुब्बुल वतनी ये नहीं है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने के बजाय हम इनको गंदा कर रहे हैं। हुब्बुल वतनी ये नहीं है कि हम अपने देश के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इसका ख्याल न रख सकें। यहाँ की सड़कों का, यहाँ की स्कूलों का, यहाँ की अस्पतालों का, यहाँ के लोगों के निजी और सरकारी इंदा का हम ख्याल न रख सकें। ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी नहीं है, ये सिर्फ उबाशी है कि अपने हुब्बुल वतनी ये है कि जिस्मानी तौर पर मजबूती के साथ साथ आप अखलाकी तौर पर भी मजबूत हो सकें। और इस हुब्बुल वतनी ये भी है कि आप अखलाकी तौर के साथ साथ आप ज़बरदस्त और बेहतरीन तालिबे इल्म और बेहतरीन तालिबे याफ्ता इंसान बन सके। ये हुब्बुल वतनी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के वसाइल का, पाकिस्तान के आवाम के वसाइल का ख्याल रखना है। पाकिस्तान ने यहाँ पर सड़कें बनाई हैं, पाकिस्तान ने यहाँ पर अस्पताल बनाई है, यहाँ पर स्कूल बनाए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ने यहाँ पर कोई और चीज़ बनाई है। हम उस वक्त तक सच्चा मुसलमान और अच्छा पाकिस्तानी नहीं बन सकते जिस वक्त तक हम पाकिस्तान के वसाइल का ख्याल नहीं रख सकते। तीसरी बात जो मैं आपसे आपसे शेयर कर रहा हूँ, हुब्बुल वतनी ये भी है कि अपने माहौल का ख्याल रखना कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे ज़बरदस्त और इंतहाई खूबसूरत माहौल फराहम की है, इसी माहौल का ख्याल रखना। यहाँ के पत्थर, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की सड़कें, यहाँ के दरख्त, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, ये मेरे हैं और ये मैं यहाँ का मालिक हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ, तो यहाँ इन सभी चीज़ों का मैंने ख्याल रखना है और मैं इसका ख्याल रख के ही पाकिस्तानी बन सकता हूँ, रख के ही मैं अच्छा और सच्चा मुसलमान बन सकता हूँ। चौथी चीज़ पाकिस्तानियत ये भी है, हुब्बुल वतनी ये भी है कि जो मदद के और हेल्प के हकदार लोग हैं उनके हेल्प की जाए। तो आपने दुनिया के साथ कम्पीट करना है, दुनिया के साथ मुकाबला करना है, तो अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी महारत हो सकती है, खेल के मैदान की महारत हो सकती है, वो महारत हो सकती है इंजीनियरिंग के मैदान की महारत हो सकती है, वो महारत हो सकती है टीचिंग के मैदान की, वो महारत हो सकती है साइंटिस्ट बनने की महारत, वो महारत हो सकती है कोई और फील्ड में महारत हासिल करना, इसे कहते हैं पाकिस्तानियत। अगर जिस्मानी सलाहियतों के अंदर ये चीज़ें आप पैदा करेंगे तो मुझे यकीन है कि जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेगा रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की रेत ज़रा ईड़िया रगड़ दे दो, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा।